नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीजे स्टडी जोन हमारे इस चैनल में। क्रिस्टलाइन सॉलिड की संरचना के बाद अब हम देखते हैं सॉलिड ठोस के जो क्रिस्टल होते हैं उनमें कौन कौन सी त्रुटियां होती है, डिफेक्ट होते हैं, तो जनरली उसका भी एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड से स्टडी किया जाता है कि क्रिस्टल जलक में कहाँ पे कौन सी त्रुटियां पाई जाती, एरर होते हैं। इसके बारे में जब अध्ययन किया गया तो दो प्रकार के एरर से डिफेक्ट होते हैं। फर्स्ट होता है नॉन स्टाइक्योमेट्रिक एरर, अरसमीकरण मिति, अनियमितताएं, और दूसरा होता है स्टाइक्योमेट्रिक एरर, डिफेक्ट जो होती है। तो दो प्रकार के इसमें एरर होते हैं, रसमीकरण मिति और अरसमीकरण मिति। अरसमीकरण मिति फिर से स्टडी करते हैं नॉन स्टाइक्योमेट्रिक, इसमें भी दो प्रकार आते हैं, एक होता है ऋणायन के कारण और एक होता है एक्सेस धनायन के कारण। ऋणायन वाले क्रिस्टल NaCl, KCl, CsCl इनमें पाई जाती है, जिसमें क्लोरीन आयन की संख्या बढ़ जाने से क्रिस्टल में नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट आ जाते हैं। जैसे अपन सोडियम क्लोराइड कॉमन साल्ट को क्लोरीन के साथ अगर गर्म करते हैं, क्लोरीन वेपर के साथ हीटेड करते हैं, उसका कलर व्हाइट से येलो में चेंज हो जाता है, क्योंकि उसमें ऋण आयन क्लोरीन की संख्या बढ़ जाती है। तो वाइपर में जो क्लोरीन्स होते हैं एक्सेस आते जुड़ जाते हैं साल्ट के साथ और उसका कलर येलो में चेंज हो जाता है। तो नॉन स्टाइक्योमेट्रिक में निगेटिव आयन्स के बढ़ने से, एन आयन बढ़ने से होने वाली डिफेक्ट होती है। ऐसे ही नॉन स्टाइक्योमेट्रिक या अरसमीकरण मिति में दूसरा होता है केटायन्स धन आयन के कारण। इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है मैग्नीज परऑक्साइड MnO2। मैग्नीज परऑक्साइड क्रिस्टल व्हाइट कलर की होती है, अगर उसको हीट कर देते हैं प्रॉक्स 170 डिग्री सेंटीग्रेड ताप में, उसमें ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हो जाती है, निकल जाती है इलेक्ट्रॉन को लेकर और मैग्नीज +2 आयन चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है। तो मैग्नीज में धन आयन होने के बाद एक्सेस धन आयन क्रिस्टल में उपस्थित हो जाती है और उसका कलर पिंक कलर में बदल जाता है, गुलाबी रंग हो जाती है। तो इस तरह से क्रिस्टल में त्रुटि आने से उनके रंगों में परिवर्तन हो जाते हैं। सेकेंड पार्ट जो होती है एरर डिफेक्ट जो होता है स्टाइक्योमेट्रिक रसमीकरण मिति। रसमीकरण मिति क्रिस्टल में ज्यामिति आकृति में भी प्रभाव पड़ता है और इसके भी दो प्रकार होते हैं। पहला होता है शार्टकी डिफेक्ट, बोर्ड कक्षाओं में शार्टकी डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट आता ही है पेपर में और एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिफेक्ट है। तो स्टाइक्योमेट्रिक शार्टकी डिफेक्ट में जितने धन आयन क्रिस्टल से निकलता है उतने ही ऋण आयन समान संख्या में बाहर मुक्त हो जाती है और उसके कारण वहाँ पर होल्स बन जाते हैं, वर्ड्स बन जाती है। तो शार्टकी डिफेक्ट नंबर ऑफ आयन रिलीज होने के कारण डेंसिटी कम हो जाता है, जितना भार क्रिस्टल का प्रारंभ में होगा उससे वो कमी आ जाती है। वैसे ही दूसरा डिफेक्ट जो होता है फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट में नंबर ऑफ आयन्स हिट आयन जो होते हैं, धन आयन जो होता है, अपने जगह से हटकर क्रिस्टल जलक में उसकी जो पोजीशन होती है वहां से हटकर वायर्ड में आ जाता है और इस कारण क्रिस्टल के घनत्व में कोई कमी नहीं होती है, हालांकि उनके सिक्वेंस में एरर आ जाते हैं। तो फ्रैंकल डिफेक्ट पाई जाती है सोडियम नाइट्राइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर नाइट्रेट ऐसे क्रिस्टल में। जैसे यहाँ डायग्राम में आपका यहाँ पे प्लस माइनस आयन सीक्वेंस में जुड़ा हुआ है और इसमें यहाँ से एक धन आयन रिलीज होकर यहाँ पे वायर्ड में आ रहा है, वैसे ही यहाँ पे जो धन आयन था उसमें रिलीज होकर वायर्ड जो रिक्तियाँ हैं उसमें आ रहे हैं। तो इस प्रकार की डिफेक्ट कहलाती है फ्रैंकल डिफेक्ट। तो शॉर्टकी डिफेक्ट में नंबर ऑफ टोटल आयन्स रिलीज होते हैं, पोटेशियम क्लोराइड, NaCl, CsCl इनमें पाया जाता है। इनमें हम संरचना का अध्ययन करते हैं तो यहाँ पे जितने माइनस चार्ज रिलीज होती है माइनस यहाँ से निकल गया है, माइनस प्लस यहाँ से निकल गया है, तो एक धन और एक ऋण आयन दोनों कम हो गए हैं। फ्रैंकल डिफेक्ट में केट आयन्स अपने जगह से निकलता है और उसी के रिक्तियों में चली जाती है। तो इस प्रकार से दो प्रकार के डिफेक्ट होते हैं। अब इसके आगे जब हम इसमें बताते हैं मिक्सिंग डॉपिंग वाला, जैसे आप सेमीकंडक्टर बनाते हैं तो किसी सॉलिड मेटल में थोड़ा सा इम्प्योरिटी बढ़ा दो तो उसकी कंडक्टिविटी, चालकता बढ़ जाती है। उसके बारे में स्टडी अब आपको हम बता रहे हैं कि क्रिस्टल
चालक इकाई में थोड़ा सा परिवर्तन करने से चालकता क्यों परिवर्तित हो जाती है। आप जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आपको हम निरंतर एक अच्छी क्वालिटी की वीडियो और स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते रहें। धन्यवाद।